82 तम मन की बात कार्यक्रम रे देशवासीको प्रधानमन्त्रीको अभिनन्दन। 100 कोटी टीकाकरण देशर सामर्थ्यर परिचय। स्वास्थ्य सेवा कर्मीको उद्यमको प्रशंसा। महिला पुलिस माने भारतर महिलामानको पई रोल मॉडल। देशर एकता ओ महानता दिगरे समस्तंकर सहयोग जरूरी। नूतन ड्रोन नीतिर सदुपयोग हेबा आवश्यक। देशरे 100 कोटी डोज टीकाकरण पूरा हेबा विश्व आगरे भारतर सामर्थ्यकु दर्शाउछि। एही सफलता पूरा देशवासीको मध्यरे थिबा एकतार मनोभाव पई संभव होई पारिछि बोली 82 तम मन की बात कार्यक्रम रे देशवासीको संबोधन करि कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। देशर टीकाकरण अभियान को प्रशंसा करिबा सह अक्लांत परिश्रम करिथिबा स्वास्थ्य सेवा कर्मी को अभिवादन जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। महिला पुलिस कर्मचारी माने भारतर लक्ष लक्ष झियमानंकर आदर्श। केंद्रीय सशस्त्र बल समेत देशर पुलिस विभाग रे महिलांक संख्या 2 गुणरु अधिक होई जायछि। आजि सबु क्षेत्र रे भारतीय महिला माने सेमानंकर पारदर्शिता प्रदर्शन करछन्ति। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी पिछले 7 सालों में महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। और मैं केवल संख्या की बात नहीं करता, आज देश की बेटियां कठिन से कठिन ड्यूटी भी पूरी ताकत और हौसले से कर रही है। आगामी रविवार अक्टूबर 31 तारीख है सरदार पटेल का जयंती। भारत लोह मानव सरदार पटेल का जीवन आदर्श रु आम बहुत किसी सीख पाइबा। यही दिन को एकता दिवस रूपे पालन कर एही अवसर रे देशर एकता एवं महानता पई समस्ते किछि ना किछि करबा लागि प्रधानमंत्री मोदी देशवासी को अनुरोध करछन्ति। आदिवासी समाज पई बलिदान देतिबा बिश्रा मुंडा स्मरण करछन्ति प्रधानमंत्री। तांको जीवन हमकु निजस्व संस्कृति प्रति गर्व करबा, परिवेश जत्न एवं अन्य विरोध रे संग्राम करबा परि अनेक किछि शिक्षा दैछि। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विदेशी शासन के हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थी। आज दिन अक्टूबर 24 रे जातिसंघ दिवस अवसर रे जातिसंघर प्रभाव और क्षमता वृद्धि कराइबारे भारत महिला मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को मने पकाइछन्ति प्रधानमंत्री। 1947-48 रे जातिसंघ मानव अधिकार सार्वजनीन घोषणानामा प्रस्तुति समय रे भारत महिला प्रतिनिधि हंसल मेहटा उक्ति को विवेचना करा जायथिला। भारत सुप्राचीन परंपरा विश्व शांति पई सर्वदा कार्य करिछि। जेंडर इक्वेलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। उसी दौरान एक अन्य डेलीगेट श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने जेंडर इक्वेलिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी। यही नहीं, 1953 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी। वर्तमान समय रे भारत रो ड्रोन टेक्नोलॉजी अधिक उन्नत होई परिछि। कोविड-19 टीका एवं कृषि जोगाण क्षेत्र रे ड्रोन उपयोग हेउछि। केंद्र रो नूतन ड्रोन नीति रा सदुपयोग करबा पई प्रधानमंत्री देशर युवक मानकु संबोधन रे कहिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।